इंसान है उसकी एज जैसा। आप लोगों ने मूवी देखी है पा मूवी, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखी होगी, रिसेंटली तो नहीं हालांकि पुरानी है। इसमें जो अमिताभ बच्चन के द्वारा जो रोल प्ले किया गया है वो एक ऐसी ही बीमारी के बारे में यहां पर बताया गया है। ये जो बीमारी है लोग सोचकर भी हैरान रह जाते हैं, पर आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में लगभग 500 के करीब बच्चे जो हैं वो इस बीमारी के साथ में पैदा होते हैं। तो सोचो वो 500 के जो करीब बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, और इस बीमारी के साथ में रहते रहते उनको अपने आप को खुश भी रखना है, सोसाइटी में इंक्लूड भी करना है, अपनी सारी जिंदगी को आगे लेकर भी चलना है, और ऐसे टाइम पर अपने आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना देना, एक सोशल मीडिया स्टार बना देना, तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। ये ओनली तभी हो पाएगा अगर आप लोग अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे, भले ही चाहे वो कैसी क्यों ना हो। यार आप लोगों को लग रहा है ना कि जिंदगी बर्बाद चल रही है, बिल्कुल आज की डेट में आप लोगों से बर्बाद जिंदगी किसी की नहीं है। प्यार करो उसको, उसी को प्यार करो, और फिर देखो आप लोगों के अंदर से खुद में एनर्जी निकल कर आएगी, और भले ही कुछ भी क्यों ना हो जिंदगी में आप लोग उससे इंस्पायर होंगे, अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट करो, तो आप लोगों को खुद में अंदर से मोटिवेशन स्टार्ट होगा, और फिर लोग आप लोगों से मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि आपकी जिंदगी जो है वो वर्थ इट है। और ये आप लोगों को फील करना पड़ेगा, किसी के बोलने से या किसी के समझाने से नहीं होगा जब तक आप लोग अंदर से इसको फील करना स्टार्ट नहीं करोगे। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ज्यादा शानदार आप लोगों का रहने वाला है। पहले स्टार्टिंग में एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। वीडियो में बहुत कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन देखूंगा स्टार्टिंग में जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के होने वाले हैं, और मेंस के दो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो कि मैं रेगुलर देता हूं। इसी के साथ में वोकैबुलरी वीडियो में 5 आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि वीडियो के एंड में आप लोगों को नजर आएगी, और कल जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके एक एक के आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा, और आज आप लोगों को बताऊंगा कि SLV कमांडो कौन बने जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। तो अगर आप लोग भी अपना नाम SLV कमांडो में दर्ज कराना चाहते हैं तो वीडियो आने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग आंसर देने हैं जो भी क्वेश्चन में वीडियो के अंदर आप लोगों से पूछूंगा। तो मतलब क्या है कि टकटकी लगाकर अगर वीडियो को देखोगे ना तभी आप लोगों को सारे आंसर जो है प्रॉपर वे में 1 घंटे के अंदर आप लोग प्रोवाइड करा पाओगे। 1 घंटे का मतलब वीडियो के आने के 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, और इससे आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें नहीं जानने को मिलेगी अगर रेगुलरली आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ोगे। तो आइए पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, इंपोर्टेंट बात यहां पर देखते हैं कौन से एडिटोरियल आप लोगों के सामने जो इंपोर्टेंट है और काफी ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर एक आर्टिकल ये आया बेसिकली पंजाब के इलेक्शन के बारे में। पंजाब के इलेक्शन के बारे में तो देखिए अलग बात हो गई कि पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि हमारी कंट्री में जिस जिस राज्य में भी इलेक्शन होने वाले हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें देखने वाली हैं। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएं और कोई दिक्कत आप लोगों को न देखने को मिले। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये बात कर रहा है चाइना और इसी के साथ में लिथुआनिया के रिलेशन के बारे में। आप लोग बोलेंगे सर इंपोर्टेंट कैसे हो गया, ये तो चाइना के बारे में बात कर रहा है। इंडिया के ऊपर भी कई बार इनके इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो दुनिया में चल क्या रहा है अगर आप लोग उसको जानेंगे तो अच्छे से चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए यहां पर ये इंपोर्टेंट हो जाता है। एक ये भी काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सुनकर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, और क्या क्या सोल्यूशन है इन चीजों के, तो समझेंगे यहां पर काफी डिटेल में। इसी के साथ में कैसा रहने वाला है 2022, तो इसका एक ओवरव्यू दिया गया है। ओवरव्यू दिया गया है 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए कि चाइना जो है वो डिसरप्टर का काम कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, रसिया और यूक्रेन रिलेशन कैसे चलने वाले हैं, तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, और क्या बात हो सकता है खासकर अगर बात करें आगे बढ़ने का, और इंडिया को किस तरीके से यहां पर अपना जो सिस्टम लेकर चलना चाहिए। तो कई सारे मुद्दों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये यहां पर जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है किताब के बारे में जो कि रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहीं पर इसका बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में है, केरला के अंदर काफी फेमस प्रोजेक्ट है जो काफी दिनों से न्यूज में है और काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रहा है, तो पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये मैं आप लोगों से पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। बेसिकली यहां पर तमिलनाडु में पॉलिटिक्स चल रही है किसको लेकर, ये चल रही है NEET को लेकर, ठीक है, जो नेट का एग्जाम होता है उसको लेकर कि सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट कराया जाना है, पर लेकिन स्टेट ये बोलता है कि उसको स्टेट लेवल पर ही कंडक्ट कराया जाना चाहिए, तो इनके द्वारा एक बिल लेकर आया गया। तो वो जो बिल है वो गवर्नर के द्वारा बार बार उसमें इशू खड़ा किया जा रहा है, तो यहां पर किस तरीके से गवर्नर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो आज आप लोगों को यहां पर एक होमवर्क में दे रहा हूं,
पॉलिटी में जाकर गवर्नर का जो चैप्टर है उसको आप लोगों को रिविजन करना है, ठीक है। वैसे मैं दो बार रिवाइज कर चुका हूँ, करा चुका हूँ आप लोगों का, पर आज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गवर्नर का चैप्टर जाकर सर्च कीजिएगा, पॉलिटी बाय वी गवर्नर, तो आप लोगों को टोटल पूरा देखने को मिलेगा कि उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझा रखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे तो डिस्कस तो मैं यहाँ पर भी कर देता, पर लेकिन वो ये कि जब ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो एक्स्ट्रा टाइम लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, कुछ और अच्छी बातें उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, वरना फालतू में टाइम जाएगा। तो जिस जिसको भी पॉलिटी में जहां पर भी दिक्कत रहती है, तो पॉलिटी में जो भी टॉपिक आप लोगों का वीक है उसमें जाकर पॉलिटी का नाम लिखिए, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ भी, और भाई वीर लिख देना, पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगी, सारी डिटेल में कवर करा रखिए, एक एक पॉइंट, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। और ये डेटा पॉइंट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये डेटा पॉइंट है प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिकली जो SLB टेलीग्राम है वहां पर, क्योंकि ये बेसिकली जो बात कर रहा है मोटे मोटे तौर पर बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, किस तरीके से खासकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो एक डेटा है हल्का सा, जो स्पेसिफिक सिटीज के ऊपर फोकस किया गया है कई जगह, तो ठीक है, तो ये इतना अंदर तक डेटा तो सिटीज के वाइज तो कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप लोग अगर याद रखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। खासकर अगर आप लोग फॉर्मर इम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को फायदे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें, स्कीम्स के बारे में बात करें, आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर फायदा देखने को मिल जाता है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग एडिटोरियल होंगे, इसी के साथ में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का न्यूज एनालिसिस देखने को मिलेगा, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले अभी UAE के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, टैंकर के ब्लास्ट होने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो समझेंगे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है कि अटैक किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के भी दो इंडियन जो है बेसिकली उनकी जान गई है, तो NIA यहाँ पर रोल में आ गई है, तो NIA के बारे में कुछ मैं आप लोगों से बातें करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर अभी जो हमारी कंट्री में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 डे की परेड पे कई सारे जो टैबलेट है यानी कि जो यहाँ पर झांकियां लगती है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो कुछ बातें करेंगे इसके बारे में भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा COVID-19 के बारे में बात की जा रही है, समझेंगे क्या क्या बातें हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार दिल्ली में रोल आउट होने जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ बेसिक बात करूंगा इसके बारे में। गतिशक्ति प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, क्या है गतिशक्ति प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में हैदराबाद जो है बोल रहे हैं कि ई फॉर्मूला वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा, तो ई फॉर्मूला क्या है, आखिर क्या चक्कर है। अभी एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी जो कि कथक के एक तरीके से महानायक बोल सकते हैं आप लोग, जिनका नाम था पंडित बिरजू महाराज जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बहुत ही दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन एग्जाम के लिए क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। कई सारे डांस फॉर्म हमारे देश के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं तो हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आज के डेट में दो एक तरीके से कुत्ते और इसी के साथ में एक घोड़ा, ठीक है, तो इनको ऑनररी डिग्री यहाँ पर एक तरीके से ऑनररी पोस्ट दी गई है, तो उसके बारे में समझेंगे क्या क्या है। चाइना क्या चल रहा है आज के टाइम में, कोल्ड वॉर और क्या यूक्रेन वाला मुद्दा है वो समझेंगे। बानकीमून साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में समझेंगे हम। सॉरी, एंटोनियस गुटेरेस क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चाइना की इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें की गई, नॉर्थ कोरिया और सुनामी का इंपैक्ट और बाकी आप लोगों का होगा ये यहाँ पर सुडोकू, ठीक है। तो ये आप लोगों यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, तो काफी अच्छे से एंजॉय करना लेक्चर में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक समझोगे तो सारी चीजें एक एक पॉइंट आप लोगों का कवर होता हुआ चलेगा। दोस्तों, आंसर राइटिंग ऐसे एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना कभी भी आप लोग एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग आंसर राइटिंग को डेली रेगुलर अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए बिल्कुल भी, अगर आप लोग इसको साथ में लेकर नहीं चलोगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी रेगुलरली, बिना एक भी दिन रुके और बिना एक भी दिन किसी भी तरीके से गैप मारे हुए। बात क्या की जा रही है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखते हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग या फिर ऐसे में यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की कोटेशन के बारे में। बोला गया कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, यानी कि उस सोसाइटी में जहां पर जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं, वहां पर महिलाओं की प्रगति से नापा जाता है कि सोसाइटी कितना प्रोग्रेस कर रही है। तो BR अंबेडकर जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। तो कहीं पर भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ लिखने के लिए आए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ये एक प्यारी सी एक स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं विद द ऑथर नेम यानी कि अंबेडकर जी के नाम के साथ में। तो एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों का एग्जामिनर के जो बेसिकली सोचने पर पड़ेगा कि हाँ, इंसान जो है वो चीजों को अच्छे से समझ रहा है जो कि आंसर राइटिंग कर रहा है। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं ये हर एक बच्चा जो है इनका आंसर दे सकता है, जिसने शाम को 8:30 बजे वाली वीडियो देखी होगी रेगुलर, उससे सारे क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं रेगुलर, उसी से ये क्वेश्चन उठाता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये आप लोगों को बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी थी।
कंफ्यूज मत हो जाना, लास्ट वाली जो रैंक थी उसका भी इसमें स्टेटमेंट है और अब की वाली रैंक का भी, दोनों का आप लोगों को इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। एमए बोला गया 71, बीए बोला गया 83, सीए बोला गया 19 और डीए बोला गया 101। सही आंसर बताइए, देखता हूं कितने ध्यान से आप लोग वीडियो सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ज्वाइंट वेंचर है दो कंट्री का, एक कंट्री है इंडिया जो कि नॉर्मल सी बात है, दूसरी कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है और उसी कंट्री की ये रिवर भी है जिससे यहाँ पर ये बेसिकली हम लोगों ने नाम निकाला है। ब्रह्मपुत्र हमारी कंट्री की रिवर होगी और उस देश की जो रिवर है वो MOS से बनती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तो उन्हें कहते हैं कि मुकेम्बो खुश हुआ, यानी कि मैं खुश होऊंगा क्योंकि ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो उसकी कंट्री के नाम के साथ साथ में रिवर का नाम भी आप लोग बता दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, डिटेल में पूरी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है क्योंकि डिटेल में मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। इतना तो यार एक्सपेक्टेशन करना बनता ही है ना जब टॉपिक को ढंग से पढ़ाया जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये रेफरेंस आप लोगों को दिया गया रबर के बारे में। तो बोला जा रहा है फर्स्ट रबर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर में 1902 यानी कि 1902 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश के द्वारा। आगे बात करते हैं यहां पर जो टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी कंट्री में वो है तमिलनाडु, फॉलोड बाय केरला और कर्नाटक। तीसरा बोला गया कि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो 100% है प्लांटेशन इन रबर। तो सही स्टेटमेंट क्या है वो आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, बहुत डिटेल में आंसर देने वाला हूं इनका, अच्छे से आप लोग इनको पार्टिसिपेट करके बताइए। देखिए आप लोग जितना अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, मेरी एनर्जी आप लोग अपने से डबल पाओगे हर एक वीडियो के अंदर में, जितना आप लोग एनर्जी दिखाओगे। तो आप लोग अच्छे से अगर चीजों को एंजॉय करोगे, आप लोग अच्छे से अगर यहाँ पर फीडबैक दोगे, फीडबैक देने का क्या मतलब है, मुझे पता चलता है कि मेरा काम कैसा है। आप लोग एग्जाम देकर आते हैं ना तो आप लोग बोलते हैं कि फीडबैक बताओ, मतलब मार्क्स बताओ आप लोग कितने हैं। तो मेरा फीडबैक देने के बस दो तरीके हैं, दो या तीन है वैसे, दो भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पहला कि वीडियो को लाइक कर आप लोग बता सकते हैं वीडियो कैसी है, और दूसरा आप लोग यहां पर फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यानी कि 10 में से आप लोग इस वीडियो को कितने नंबर दोगे। तो ये दो फीडबैक जरूर दिया करो, और अगर थोड़ा सा और मन करे आप लोग अप्रिशिएट करने का तो वीडियो आप लोग दूसरों तक पहुंचा भी सकते हो, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है। यहाँ पर जो एक आर्टिकल है मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूँ। देखिए जो भी कई बार क्या होता है, कई सारी किताबें लिखी जाती हैं तो उनका रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने वाले भी कई बार यहाँ पर उसके ऊपर आर्टिकल लिखने वाले जो होते हैं वो राइटर ही होते हैं। तो यहाँ पर जो रामचंद्र गुहा जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये किताब लिखी गई है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, तो वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो ये इनके द्वारा किताब लिखी गई है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। अगर आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो इनका नाम आप लोग जरूर जानते होंगे, क्योंकि इंडिया आफ्टर गांधी आप लोगों ने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, खासकर अगर आप लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, खासकर अगर आप लोग समझना चाहते हैं खासकर अपनी कंट्री की हिस्ट्री, तो इनके द्वारा काफी डिटेल में यहाँ पर इसके ऊपर बातें की गई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर अगर पर्टिकुलर बुक के जो राइटर हैं, जो आप लोगों की हिस्ट्री के लिए भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इससे देखा जाए, और बाकी बहुत सारी बुक्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप लोगों को डाउट होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम, अरे हाँ एक छोटी सी बात, कई सारे बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिया करो SLV PDF पर, तो मैंने ट्राई किया है, कल थोड़ा टाइम मिला, जितना मिला मैंने काम किया यहाँ पर, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों पोस्ट यहाँ पर कर दिया करो, ताकि दोनों जो भी जो मीडियम से तैयारी कर रहे हैं दोनों को दिक्कत ना देखने को मिले। तो ये काफी फायदा रहेगा आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो कोशिश करें, कई सारे और आगे आने वाले टाइम में चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो SLV PDF को जरूर ज्वाइन करना, एक हफ्ते में लगभग 21,500 करीब लोग यहाँ पर जुड़ गए, तो आप लोग इसको पार्ट बना सकते हैं अपनी लाइफ का, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाया करेंगी। एक तरीके से टेलीग्राम हो गया जिसपे PDF मिल जाती है, 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, और कल मैंने सारे पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ऑप्शनल क्या लेना है, मान लीजिए किसी को एंथ्रोपोलॉजी लेना है, किसी को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लेना है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, हिंदी लिटरेचर, या फिर कोई भी, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। या हिस्ट्री ऑप्शन है किसी का, सोशियोलॉजी है, तो डाउनलोड कर एक बार आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए अभी रिसेंटली मेंस के अंदर, ताकि आप लोग उसको मैच कर सको, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग का जो 5 का पंच आता था शाम को 5 बजे, हालांकि ज्यादा रेस्पॉन्स आप लोग का नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ, शाम को 5 बजे आती है ये वीडियो, तो इसको देखो तो आप लोगों को फायदा रहेगा। UPSC के पुराने क्वेश्चन है, और एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो आती है 12 बजे, बाकी शाम को आप लोगों को वीडियो देखने को मिली जाती है।
जो आप लोग की नैनो मैगजीन होती है, तो इनको अच्छे से इंजॉय करो। आप लोग क्वेश्चन जो देता हूं उनके आंसर कई सारे बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, तो एक दूसरे का मैच कर लिया करो, वो आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। इससे क्या रहेगा, आप लोग एक दूसरे से सीखोगे, ठीक है। तो यहां पर कल भी मैंने दो क्वेश्चन पोस्ट किए थे, डेली आप लोगों को रेगुलरली दो क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये आप लोग देखते हैं, इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो एक दूसरे का रिव्यू करना है, तो लगभग 60,000 के करीब मेंबर जुड़े हैं, ठीक है, तो इसको जरूर लेकर चलिए। तो ये जो किताब है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली कुछ पूछ ले जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर आप लोग खरीदना भी चाहते हैं तो ये आप लोगों को मिल रही है 799 में, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई, तो इसी के बारे में इनके द्वारा बातें बताई गई, ठीक है। तो आर्टिकल जो बेसिकली इसी किताब के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, ज्यादा नहीं कि आप लोग इसके अंदर घुसना है, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये काफी डिटेल में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी बात करेंगे यहां पर लिथुआनिया के बारे में, ये पर्टिकुलर एक कंट्री है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहां पर कंपेयर करके, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोप के अंदर, यहां पर यह है कंट्री लिथुआनिया, ठीक है। अभी यहां पर जो रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो चाइना और लिथुआनिया के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। अगर थोड़े से लंबे समय तक आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहां पर रिसेंटली अभी जो लिथुआनिया है उसके द्वारा क्विट किया गया था 17+1 कोऑपरेशन जो कि चाइना का था, यानी कि चाइना के साथ में कोऑपरेट करने से इसके द्वारा मना कर दिया गया था। तो उस टाइम पर यहां पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे थे, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है आज के डेट में, चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, तो उसमें कोशिश कर रहा है कि डिवाइड किया जाए कंट्रीज को अपने हिसाब से, यानी कि एक तरीके से अपने फेवर में कंट्रीज को लिया जाए। इससे क्या रहेगा, इससे चाइना का दबदबा बनेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर भी, और यह माना जा रहा था यहां पर कि यूरोपियन यूनियन को ब्रेक करने का भी काम कर रहा है। तो लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक कंट्री से अर्ज किया उसके द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर कि छोड़ दो इसको, चाइना को साइड में, क्योंकि ये हमको बर्बाद करके छोड़ देगा। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो समझेंगे इसके बारे में आखिर मुद्दा अभी फिलहाल क्या बन गया। अभी डिटेल में आप लोगों से बातें करूं तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे सुनते हुए चलिएगा, कोई भी आप लोगों को डाउट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हुआ क्या अभी यहां पर समझते हैं, वो यहां पर यह कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि चाइना जो है अपने मुद्दे को लेकर बड़ा सदमे में आ जाता है, और जब बात करते हैं इंडिया की, तो आप लोग देखिए हमारी कंट्री का जो मैप है ये यहां पर पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखा रखा है, और यहां पर जो हमारे वाला मैप है ये चाइना ने अपने वाले मैप में दिखा रखा है। तो हमारी कंट्री का जो है वन इंडिया पॉलिसी अगर हम लोग बोले तो चाइना को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको वो बेसिकली मतलब एक तरीके से बोलता है कि ये पोर्शन मेरा ही है, बाकी सारा आपका है, बाकी इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश भी वो अपने अंडर लेने की कोशिश करता है। पर लेकिन अगर यहां पर कोई ताइवान के बारे में बात कर देते हैं तो वही कहता है कि एक तरह खुजला कुत्ता जो होता है उसको एक तरीके से एक वो पूरी बदतमीजी सोचने लगती है, ठीक है। तो वही वाली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। चाइना की सबसे ज्यादा बदतमीजी मुझे ये लगती है कि हमेशा दोगली अप्रोच लेकर चलता है, एक साइड में दिखाएगा दुनिया को कि हाँ ये एक तरीके से ना सब जगह डेवलपमेंट ये काम कर रहा है वो कर रहा है, दूसरी साइड में सबको डेट ट्रैप में फंसा रहा है, अपनी एक तरीके से नहीं वो कहते हैं अपने जाल में साल जासी करके अपने जाल में फंसा रहा है, एक तरीके से दूसरी कंट्री के बॉर्डर को कभी इज्जत नहीं करता है। पर कोई इसकी वन चाइना पॉलिसी पर अगर उंगली उठा दे तो यहां पर इसकी जो बॉडी में 460 वाट का करंट दौड़ जाता है, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो लिथुआनिया ने क्या किया, अभी इसकी बॉडी में 460 वाट का करंट यहां पर दौड़ा दिया। इसने क्या किया, बोला कि जो आज के में ताइवान है, ताइवान की एम्बेसी जो लिथुआनिया ने अपने यहां पर खोली और बेसिकली उसको क्या कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है कि हाँ ये सही है बेसिकली, यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिला, तो चाइना को जो है इससे क्या हुआ, बिल्कुल एक यानी कि आग सी लग गई। तो अनाउंस किया गया कि सेटिंग करने के लिए ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यहां पर बेसिकली लिथुआनिया के अंदर में, तो इससे क्या हुआ, इसको यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री के अंदर भी ताइवान का ऑफिस है, पर लेकिन वो ताइवान एम्बेसी या फिर ऐसे कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से नहीं है, हम लोग बोलते हैं उसको ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर बोलते हैं अपने देश के अंदर में, क्योंकि इंडिया जो है वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, और वन चाइना पॉलिसी में यहां पर ताइवान तिब्बत ये हांगकांग वाला सारा पोर्शन यहां पर आ जाता है, तो इंडिया उसको फॉलो करता है, यानी कि इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करता है। पर लेकिन ये जो है हमारी कंट्री खुद जो पॉलिसी है, हम जो चाहते हैं कि हम लोग यूनाइट है, तो उसमें ये इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी चाइना को जो है काफी ज्यादा यहां पर दिक्कत देखने को मिलने वाली हो सकती है आने वाले टाइम में। क्यों, क्योंकि अगर बात करें यहां पर लिथुआनिया के बारे में, तो वो एक तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो यूरोपियन यूनियन के जो 27 के 27 देश हैं, तो 27 के 27 लोग एक साथ आगे खड़े होंगे चाइना के खिलाफ में। ऊपर से अगर बात करें नेटो के बारे में, तो नेटो के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बाहुबली मूवी का वो डायलॉग है कि देवसेना को किसने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया, तो नेटो में तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही फंडा देखने को मिलेगा। अगर नेटो के किसी भी मेंबर को किसी ने हाथ लगाया तो समझो कि सारे मेंबर जो हैं वो आप लोगों के एक साथ खड़े मिलेंगे और उस कंट्री का खैर नहीं है। तो अभी यहां का अगर चलकर चाइना कुछ ऐसी हरकतें करता है तो समझो कि चाइना ने क्या हरकत कर दी कि 30 के 30 मेंबर जो है नेटो के उनको हाथ लगा दिया। अब 30 के 30 मेंबर जो है यहां पर वो भारी पड़ जाएंगे चाइना के ऊपर, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट की जा सकती है। तो अभी यहां पर आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे जो कंट्री है
जिसको लेकर इशू बना हुआ है, जैसे यूक्रेन हो गया, तो यूक्रेन के मुद्दे के बारे में आगे बात करूंगा, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। पर अभी यहां पर जो बात की गई लिथुआनिया के द्वारा, उसके चलते चाइना की रग रग में यहां पर अभी गुस्सा भर गया। उसने बोला इसने यहां पर अलाउ कैसे कर दिया, तो इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं चाइना के बीच में और लिथुआनिया के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिस तरीके से यहां पर इशू सामने यहां पर ये निकलकर आ रहा है। देखिए होता क्या है यहां पर, नॉर्मली अगर कोई भी कंट्री बोले तो यहां पर वो चाहती है कि उसकी कंट्री की सॉवरेंटी के अंदर कोई इंटरफेयर ना करे। सॉवरेंटी मतलब उसकी संप्रभुता, यानी कि वो जो करना चाह रहा है ना उसको करने दो, कोई आकर उसको कुछ ना बोले। पर लेकिन लिथुआनिया ने क्या किया, अभी यहां पर इसके अंदर इंटरफेयर कर दिया। लत्विया आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, लिथुआनिया का जो छोटा सा पोर्शन है साइड में यहां पर ये रशिया है। तो कोई आप लोग कल को क्वेश्चन दे देना बाल्टिक सी के बारे में, तो याद रखिएगा रशिया भी बाल्टिक सी को टच करने वाली कंट्री है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि रशिया यहां कहां से आ गया, ठीक है। तो रशिया इधर है, बाल्टिक सी यहां पर है, तो रशिया भी बाल्टिक सी को टच करता है, तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसका काफी तगड़ा व्यापार है आज के में बेसिकली चाइना के साथ में, तो कल को चलकर अगर ये इश्यू निकल कर आता है तो यहां पर उस जो व्यापार में भी खतरा पड़ सकता है। अब तो बल्कि ये बोला जा रहा है कि लगभग अगर बोले यूरोपियन यूनियन के साथ में 828 बिलियन के करीब यहां पर एनुअल व्यापार देखने को मिलेगा। तो इसमें काफी बड़ा ट्रेड इन्वेस्टमेंट सप्लाई जो चाइनीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग चीजें, कई सारी कंपनीज है चाइना की, कई सारे इनोवेशन रिसर्च है जो कि यूरोप के अंदर में आते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट सप्लाई कंपनी सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर चाइना में देखने को मिलता है यूरोपियन यूनियन का। तो मोटे मोटे तौर पर यहां पर चाइनीज मेड जो गुड्स होते हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं। देखिए चाइना अपने लिए तो गुड्स अच्छे बनाते हैं, पर जो बाहर से एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं ना वो हमेशा डिग्रेड का माल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चाइना की बदतमीजी आप लोगों को नजर आएगी। तो यूरोपियन जो कंपनी है वो काफी लार्ज स्केल पर चाइना के अंदर जाकर काम करती थी, क्यों, क्योंकि उनको ये लगता था कि यहां पर सस्ती लेबर फोर्स मिल जाती है, तो उनके भी काम यहां पर अच्छे खासे चलते थे। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते थे। तो अभी यहां पर देखते हैं कैसे दिक्कत यहां पर आके निकलती है और कैसे इसका सोल्यूशन यहां पर ये निकाला जाता है। अभी यहां पर जो बीजिंग है वो यहां पर ताइवान को लेकर ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी कुछ ऐसी हरकतें की गई। तो लिथुआनिया को चाइना के द्वारा ये बोला गया कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी में ये इंटरफेयर कर रहा है, और बीजिंग जो है यहां पर इसको मोस्ट सेंसिटिव इशू के तरीके से यहां पर ले रहा है। तो यहां पर ये काफी ज्यादा दिक्कत इनके बीच में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। चाइना इसको इस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है कि कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना ने सजेस्ट किया एक तरीके से, यानी कि चाइना जो है एक तरीके से इसको लेकर चल रहा है कि जो किल द चिकन टू स्कार द मंकी, यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते कि आप लोगों ने, कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर एक मुर्गे को मार दो इससे वह बंदर डरकर भाग जाएगा, यानी कि बंदर को डराना है तो मुर्गे को मार दो कि हाँ उसको पता रहेगा कि ये इतने ज्यादा खतरनाक है। उन्हें कहते कई बार देखो किसी के हाथ में, किसी के घर पे अगर लाइसेंस की बंदूक है तो छत पे जाकर दो चार फायर कर दी, या अपनी बंदूक को छत पे खड़ा होकर मतलब साफ कर रहे हैं कि सबको दिखा रहे हैं कि मेरे पास है बंदूक है, मेरे से पंगा मत लेना। तो चाइना ऐसी हरकतें करता है कि छोटी छोटी कंट्री को कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देता है ताकि कोई दूसरी कंट्री जो है इसकी वन चाइना पॉलिसी में इंटरफेयर न करे। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो अभी क्या क्या मुद्दा यहां पर हो सकता है इसको लेकर, आने वाले टाइम में क्या क्या इशू बन सकता है वो आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे। पर कंसर्न यहां पर यह है कि कैसे ये जो इश्यूज हैं इनको डील किया जाएगा, क्योंकि ये काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी चाइना कई बार इंटरफेयर करता हुआ नजर आता है। तो अपनी वन चाइना पॉलिसी और यहां पर दूसरों को लेकर, यहां पर अगर उनके बॉर्डर इशू के बारे में बात करें तो साउथ चाइना सी में भी आप लोगों को चाइना के कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। बोलता है कि सारा एरिया मेरा है, तो कैसे यहां पर मुद्दे निकल कर आएंगे वो हम लोग समझेंगे। देखिए यार एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जब आप लोगों को कोई टॉपिक समझाना होता है ना तो यहां पर जो मैप मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो मैप यहां पर आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के जो मैप सर्च करेंगे तो सारे मैप आप लोगों को ऐसे मिलेंगे। मेरा मन नहीं लगता है, मतलब एक तरीके से मेरा बुरा लगता है आप लोगों को ऐसे मैप दिखाना, पर बेसिक आप लोग अपने मन में रखिए कि हमारा मैप जो है वो कंप्लीट मैप है। बस आप लोगों को यहां पर ये आप लोगों को देखना है कि टॉपिक को किस तरीके से आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कैसा मैप दिखा रहे हो। यार ये जो मैप आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ना वो मैप जो रहता है इंटरनेशनल लेवल का रहता है, ठीक है। और वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाक ऑक्युपाइड एरिया, और यहाँ पर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद में चाइना के कंट्रोल में है, तो वो सारे ऐसे ही मैप दिखाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बाल्टिक स्टेट के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो इस्टोनिया लिथुआनिया और लिथुआनिया ये आप लोगों को बाल्टिक कंट्री में देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, तो ये भी मैंने मैप में डालकर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक पोर्शन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये था बिल्कुल क्लियरिटी, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग बोले हम लोग गांव में रहते हैं और हमको आज के डेट में कोई बीमारी होगी है तो क्या सॉल्यूशन है, तो मैं एक सेकंड में आप लोगों को बोलूंगा कि प्रक्टो ऐप जाकर डाउनलोड कर लो, वहां पर सारे डॉक्टर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग लाइव उनके साथ में चैट कर सकते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है उनसे सारी बातें आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन सोचो गांव में दूर दराज में कोई एनिमल है, कोई हमारा जानवर है, अगर उसको बीमारी हो गई है तो उसके बारे में कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसका सॉल्यूशन जो निकल के आया अभी यहां पर ये है
MVU यानी कि मोबाइल वेटनरी यूनिट। अगर कल को चलकर हम लोग मोबाइल वैन जो है वो लेकर आते हैं और गांव गांव में उनको प्रोवाइड कराते हैं तो सोचो कितना ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिल सकता है, खासकर जो गांव में किसान लोग हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए गेम चेंजिंग एक चीज हो सकती है जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इंडिया जो है फर्स्ट है बफेलो पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश, ठीक है। सेकंड नंबर पर है हम लोग कहां पर, गोट यानी कि बकरी के मामले में सबसे ज्यादा बकरी हमारे देश में। थर्ड नंबर पर हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ सीप यानी कि भेड़ के मामले में हम लोग तीसरे नंबर पर है। मुर्गी के मामले में हम लोग फोर्थ नंबर पर है, और जो यहाँ पर पॉपुलेशन के मामले में और पोलिट्री प्रोडक्शन के मामले में हम लोग फिफ्थ नंबर पर हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में दुनिया भर के जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे पॉपुलेशन के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद में, ऐसे ही तरीके से आप लोगों यहां पर लाइव स्टॉक में भी हम लोग इसी पैटर्न में आप लोगों को नजर आएंगे। अब ये हमारा भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इन चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। कल को मान लीजिए किसी एक जानवर को बीमारी लग गई तो बीमारी कहां कहां तक फैल सकती है, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना है और हम लोग को उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना बहुत ज्यादा त्रासदी देश के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा, काफी अच्छा सा आप लोग क्वेश्चन यहां पर बन सकता है इसके बारे में। क्योंकि यहां पर जीएस पेपर 3 के अंदर जब बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली अकेला आप लोगों से ऐसे जानवरों के बारे में तो रेयरली कोई क्वेश्चन पूछेगा, पर लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है, तो किसानों की इनकम अगर डबल करनी है तो खेतों में से सारी कमाई आने वाली है नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि उसमें कई सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं, जैसे जो कोस्टल एरिया में किसान रहते हैं तो उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा आप लोग देखने को मिलेगा, मधुमक्खी का पालन हो गया, वो एक एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है, दूध देने वाले एनिमल जो हो गया उनके ऊपर काम करना, तो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू किसानों के लिए यहां पर निकल कर आ सकता है। तो कल को चलकर अगर इन जानवरों को कोई नुकसान होता है, जैसे कैटल्स के बारे में बात करें, बफेलो सीप गोट्स इनके बारे में बात करें, तो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे हमारी कंट्री में इनकी संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन दिक्कतें क्या रहती है, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आती और कई बार बीमार हो जाते हैं, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है इनके ऊपर, ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बोला गया कि फिलहाल जो है हमारे देश में खासकर एंटीबायोटिक जो है काफी लार्ज स्केल पर यूज की जा रही है, और ये एंटीबायोटिक जो है ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही है तो उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ये इंजेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है आज की डेट में अगर बात करें, जिसको हम लोग बड़े ही नहीं कुछ लोग दूध तो मिल गया वो देखकर हम लोग काम करते हैं, पर लेकिन देखने को मिलेगा कि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि आने वाले टाइम में ह्यूमन हेल्थ को हमारी बॉडी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट यहाँ पर कर देता है। और हम लोग बोलते हैं ना, अभी यहाँ पर बोला गया था ग्लोबल एक्शन प्लान में WHO के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया कि वन हेल्थ विजन का क्या मतलब था। देखिए आज की डेट में ना आप लोग कई सारी जूनोटिक बीमारी देखने को मिलेगी। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है, वे बीमारी जो कि जानवर से इंसान में फैलती हुई नजर आ रही है। तो कल को चलकर अगर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ यहां पर अच्छे से रहे, एक साफ सुरक्षित सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिले, सारी चीजें एक पैटर्न में चलती हुई नजर आए, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जिस एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं उसको पोल्यूट हम लोग को नहीं करना है, उसको लेकर साथ में चलना है। अगर अपनी हेल्थ को हम लोग को लेकर चलना चाहते हैं तो हम लोग को जीव जंतु एनिमल और पशु पक्षियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं के साथ में कनेक्ट है। जो भी लोग आज की डेट में नॉनवेज खाते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर एक भी यहां पर इंसान को जूनेटिक बीमारी लगी और वो जूनेटिक बीमारी अगर ऐसी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली तो काफी लार्ज स्केल पर वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और यहां पर ऐसा नहीं कि आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो ही ये बीमारी लगेगी, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट आते हैं निकलकर, मान लीजिए हो सकता है दूध हो सकता है वो जो भी आप लोग एक तरीके से दूसरे प्रोडक्ट जो भी यूज करें, खासकर अगर बात करें जानवरों से, तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में अगर कोई भी जूनोटिक बीमारी अगर फैलना स्टार्ट हो जाती है तो खासकर किसानों को सबसे ज्यादा ये दिक्कत देखने को मिलेगी अगर गांव में निकल कर आती है। तो इसलिए सॉल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। और वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आप लोगों से कुछ पूछ ले तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि वन हेल्थ का मतलब ये कि जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण में, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं उसमें सबको साथ में लेकर चलना। तो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा है वो आप लोग यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एनवायरमेंट को कैसे लेकर चलना है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे लेकर चलना है और एनिमल हेल्थ को कैसे लेकर चलना है। तो ये काफी बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सबको अगर हम लोग साथ में लेकर चलेंगे तो ही यहां पर सॉल्यूशन आप लोगों को सही डायरेक्शन में नजर आएंगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी और किसानों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर मैं आप लोग क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोग इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वन हेल्थ विजन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक कमेटी है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, इसको बोलते हैं एमके जैन कमेटी। एमके जैन कमेटी के द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में जितने भी जानवर हैं वो कई सारे चैलेंज फेस करते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हमारे देश में चल रही है और इसी के साथ में कई सारे जो एनिमल से रिलेटेड खासकर उनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो भी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है। गांव वाले एरिया में जितने जानवर हैं उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे खेतों में आप लोगों को पता है एक घर में अगर टोटल मिलाकर 15 लोग हैं, ठीक है,
और यहां पर इनके हिस्से में जाते हैं वो 15 बीघे जमीन आती है। सोचो उस 15 बीघे जमीन में 15 के 15 लोग लगे हुए, जिसको ओनली 2 से 3 आदमी भी जिस जमीन को यहां पर देख सकते हैं उस जमीन में टोटल 15 लोग लगे हुए। तो यहां पर ये ऐसे अनइंप्लॉयमेंट को कौन से तरीके का अनइंप्लॉयमेंट कहते हैं बताइए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, अगर यहां पर जो यहां पर कम रिक्वायरमेंट है और ज्यादा लोग लगे हुए तो एग्रीकल्चर के अंदर इस इंप्लॉयमेंट को एक अनइंप्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा गया। ये कौन सा अनइंप्लॉयमेंट है ये आप लोगों को बताना है। तो दिक्कतें ये देखने को मिलने लगती है यहां पर, जिसके चलते और ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। यहां पर अगर बात करें कि पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो अगर वहां से प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आएगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहां पर जानवरों के मामले में भी कई बार प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है कि जानवर कई सारे हो गए पर उतना दूध नहीं निकलता है। अगर बात करेंगे अमेरिका के अंदर, आप लोग काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बहुत कम जानवर बहुत ज्यादा दूध देते हुए नजर आते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि अमेरिकन गाय जो है ज्यादा दूध देती है, ठीक है, तो वही वाली बात है, आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में अभी क्या किया जा रहा है, लाइव स्टॉक के ऊपर फोकस देना है, उनके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस देना है। क्योंकि अगर कोई आप लोगों से बात करें हमारी कंट्री में टोटल जानवर कितने हैं, तो याद रखिएगा मोटे मोटे तौर पर अगर बात करूं आप लोगों से 537 मिलियन के करीब आप लोगों को हमारी कंट्री में जानवर देखने को मिलेंगे। मिलियन का मतलब इसमें 10 से आप लोग और मल्टीप्लाई कर देना अगर लाख में आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 5370 के करीब लाख आप लोगों को हमारी कंट्री में जीव जंतु नजर आ जाएंगे, जो कि यहां पर 95% जो है ये आप लोगों को गांव वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर तो एक स्टार्टअप यानी कि कंपनी स्टार्ट की जा सकती है जानवरों के लिए। अगर आप लोग बात करें कि गांव गांव में कैसे फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, आज की डेट में भी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर आते हैं कई सारे मोटरसाइकिल पर बैठकर, वो अपना पूरा तामझाम लेकर नॉर्मली सिटीज में कहीं ना कहीं आसपास रहते होंगे, गांव में नॉर्मली रहते हुए भी नजर नहीं आते हैं। तो किस तरीके से इंसानों को गांव में डॉक्टर नहीं मिलता है तो जानवरों की तो बड़ी बात हो जाती है। तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है अगर हम लोग कोई ऐसी एक नहीं कि मूवेबल वैन आती है जिसमें अगर सारे प्रोडक्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो इससे क्या रहेगा, कल को चलकर जानवर को कोई दिक्कत होती है तो इंसानों को दिक्कत होती है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज अगर बात करें एंटीबायोटिक जो अलग जानवरों को तो दी जाती है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मान लीजिए जानवरों को आप लोगों ने कोई भी एंटीबायोटिक दी, मुर्गी होगी, सुअर हो गया, गाय होगी, और फिर मान लीजिए आगे चलकर कोई इनका मांस खा रहा है तो ये डायरेक्ट इंसानों में पहुंच गई। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे आप लोग देख रहे हैं ये गोली आप लोग भी खाते ना, पहले सर में दर्द हुआ जरा सा एकदम तुरंत गोली ले ली, नहीं गोली नहीं लेनी है, कोशिश करो हल्की फुल्की चाय पी और अपना सो जाओ, नींद लेने की कोशिश करो, उससे चीजें ठीक हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर गोली की आदत एक बार आप लोगों ने बना ली तो ये काफी बड़े एक तरीके से आप लोगों की बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपनी बॉडी को, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने बोला कि मैं जो है जब मॉर्निंग में लेक्चर बनाता हूँ तो काफी ठंड लगती है, कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हीटर ले लो, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब हीटर मुझे सजेशन में नहीं आया था, मुझे एकदम लगा था, मैंने कहा सर्दी आ रही है और मैं आगे से कई बार सोचता भी हूँ कि हीटर ले लेता हूँ, पर लेकिन यार फिर मुझे ये लगता है कि अपनी बॉडी को इतना भी बर्बाद मत करो कि कल को चलकर अगर वो बाहर निकलने लगे तो आप लोगों की बॉडी में दिक्कत होने लगे। कम से कम कोशिश करो कि जब पानी में नहाते हो ना बहुत गर्म पानी मत करो, बहुत ही एक ठंडक सी नहीं होती पानी की जो कहते हैं ठंड मार देना बस, तो इतनी ठंड मारो बस एक तरीके से, पानी इतना गर्म करो कि आप लोगों को ये ना लगे बहुत ज्यादा गर्म हो गया और बहुत ज्यादा ठंड हो, ताकि आप लोग बस बीमार ना करो। तो हल्का सा निवाया या फिर गुनगुना सा पानी आप लोग यूज किया करो। पीने के मामले में आप लोगों को यही बात बोलूंगा, अपने को किसी भी एक्सट्रीम लेवल पर आप लोग लेकर मत जाओ। जैसे आज के आप लोग मान लीजिए घर में हो, घर में आप मान लीजिए हीटर आप लोगों ने रख लिया, कल को बाहर जाना पड़ गया तो जरा सी देर में आप लोग बाहर जाओगे बीमार पड़ जाओगे, आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो ढंग से काम नहीं करेगी। तो थोड़ा सा जो नेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को रखने की कोशिश करो, जो मौसम आते हैं कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, तो उसमें ज्यादा प्रोटेक्टिव भी आप लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ऐसा हो जाओ कि घर में रहो तो बिल्कुल सेफ हो और बाहर निकलो तुरंत बीमार पड़ जाओ। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपनी बॉडी का पार्ट बना के, अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो। तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप लोग अगर इतना प्रोटेक्टिव अपने आप को रखेंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो तुरंत आप लोग अपने आप को बीमारी में जकड़ते हुए पाएंगे। तो ये कोशिश करो, आप लोगों ने नॉर्मली गांव में देखा होगा किसान जो है खेतों में जाते हैं सर्दियों में खासकर, पहले पत्तियां जलाकर अपने आपको थोड़ा गर्म करते हैं, उसके बाद में वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वहां पर बर्फ जमी होती है कई बार खेतों के अंदर, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ठंडा ठंडा पानी रहता है। तो अगर वो इंसान जो है हीटर में से निकल के जाएगा घर पर, अगर हीटर में वो सो रहा होगा और खेत में जाकर काम करेगा तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग बिल्कुल ऑफिशियल जॉब करते हैं, बिल्कुल घर में भी एसी में रहना है बाहर भी एसी में रहना है, तो एक बार को आप लोग कंसीडर कर सकते हो, पर लेकिन थोड़ा सा अपनी बॉडी को इस तरीके से एनवायरमेंट के हिसाब से भी रखो कि सर्दियों में थोड़ी सर्दी और गर्मियों में थोड़ी गर्मी, यानी कि गर्मियों में एसी में घुसे में 24 घंटे बाहर निकले तो गर्मी इतनी लगी कि इंसान जो है बीमार पड़ गया। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम लोग अपनी बॉडी को एक रिजिड बॉडी नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं हम लोग बड़ी उसको ऐसा नहीं एक फूल जैसे बना देते हैं कि जरा सी हवा निकली तो पत्ती निकल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बॉडी में क्रिएट हो जाए तो दिक्कतें देखने को मिलती है। और ये काम कैसे करते हैं, जैसे बैक्टीरिया आप लोग की बॉडी में चले गए, ठीक है,
आप लोग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में ड्रग कोई अगर आप लोग कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, दवाई को काम नहीं करने देंगे। आप लोगों ने एंटीबायोटिक ली, एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया को तो मार देगी पर रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया उनको नहीं मार पाएगी, तो क्या करेंगे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे और फिर ये ज्यादा होते होते इतने लार्ज स्केल पर फैल जाएंगे कि कोई भी दवाई अगर आप लोग ले रहे हो खासकर उस पर्टिकुलर पर्पज से रिलेटेड तो आपकी बॉडी में वो काम ही नहीं करेगा। मान लीजिए एक गोली से आप लोगों को काम चल जाता था, अब आप लोगों को दो या तीन गोली लेनी पड़ेगी तो हाई डोज आप लोगों को यहां पर बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को चीजें जो है वो नॉर्मल होती नजर आएगी। तो ये काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिलती है जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी बात करूं तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया यहां पर इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट के बारे में, तो इसके बारे में याद रखिएगा प्रॉपर वे में इसको ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न लेकर चलना है, एनिमल को कैसे लेकर चलना है, एनर्जी को कैसे लेकर चलना है, वाटर मैनेजमेंट को, जो लैंड नेचर कंजर्वेशन को, कम्युनिटी की कैसे एंगेजमेंट यहां पर रह सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज और प्लानिंग कर सकते हैं, सोइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्रॉप की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो ये सारे वो पॉइंट है। अगर आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए तो एक सेकंड में आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसको जरूर यहां पर आप लोग लेकर चलेगा, जैसे कि आप लोग बोले कि यहां पर पहले तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या सिस्टम होती है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सारी चीजें आप लोग किस तरीके से इंक्लूड करके चल सकते हैं। फिर यहां पर इनकम इनसिक्योरिटी और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जरूरी है यहां पर, खासकर अगर बात करें हर एक इंसान के लिए, तो ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, फिशरी और पोल्ट्री में कई बार हेजिटेशन रहता है कि पता नहीं यहां से रिटर्न निकल कर आएगा, एमएसपी कई बड़ा इशू बन जाता है यहां पर, ठीक है। सर्विस और स्किल या ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो वो नहीं मिल पाती है, तो यहां पर फिर अगर बात करें सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इनके सॉल्यूशन आप लोग निकालो तो सारे सॉल्यूशन आप लोग के निकल जाएंगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हमारे देश में अभी बूस्ट करने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन और फार्मर की इनकम, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता था जिसके अंदर काफी ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया था लगभग 500 करोड़ का। तो इसके चलते और भी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो यहां पर चीजों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही थी एनुअल मिल्क प्रोडक्शन, ताकि हमारे देश में बढ़े। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कृषि के साथ में अगर इंक्लूड कर कुछ लिखने के लिए आ जाते हैं तो जीएस पेपर थर्ड में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये बन जाता है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो बोला ये जा रहा है कि कल को चलकर अगर वेटनरी यहां पर लैब मोबाइल वैन हम लोग लेकर आते हैं यूनिट, तो आज के दिन तो जीपीएस सिस्टम भी उनके ऊपर अगर जीपीएस ट्रैकिंग आप लोग लगा देते हैं तो आसानी से ये पहुंच जाएंगी, और खासकर पब्लिक प्राइवेट मॉडल के साथ में मिक्स कर आप लोग यहां पर इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है। तो ये बातें हैं पर लेकिन समझना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे। आई होप कि ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया, तो कुछ मॉडर्न अगर अपडेशन के बारे में बात करें फार्मर से रिलेटेड तो भी आप लोग इसको मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर 2022 को लेकर चला जा रहा है। अगर आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री को नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो 2022 के बारे में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अगर देखने को मिले, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा किस तरीके यहां पर आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड का अफेयर रहने वाला है, इनके इंटरनेशनल लेवल पर कैसा वर्ल्ड में क्या क्या चीजें चलने वाली है, तो उसमें आप लोगों को कई सारे इश्यूज यहां पर देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में आप लोगों से मैं यहां पर बातें करने वाला हूं कि डोमेस्टिक और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो कैसे चलने वाली है। तो नॉर्मली यहां पर इसको जो बोलते हैं कि एक तरीके से बोलेंगे कि वर्ल्ड अफेयर कैसा रहने वाला है, इनकी दुनियादारी कैसे चलने वाली है, वो यहां पर राइटर ने भी मेंशन किया पहले ही पैराग्राफ में, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर लाइकली टू बी क्या एस्पेक्ट पड़ने वाला है आज की डेट में दुनिया में। 2022 में डोमेस्टिक और जियो पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा चेंजिंग आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें कई सारे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग उसको कैसे लेकर चलने वाले हैं, सबसे पहले तो वही बातें हैं आने वाले टाइम में जो यहां पर कई सारे कंसर्न है यहां पर खासकर डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड वाइड में उसको भी एक डायल्यूटेड डेमोक्रेसी यहां पर बताया गया। सबसे पहले तो अगर आंसर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग पहले अगर बात करें आप लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है उसके बारे में ये स्लाइड आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। देखिए आंसर राइटिंग ना आप लोगों को डेली करनी है, अगर एक भी दिन आप लोग आंसर राइटिंग छोड़ रहे हो ना अपने पैरों पर आप लोग कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कभी भी आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है आंसर राइटिंग को लेकर, ठीक है। इसीलिए डेली आप लोगों को दो क्वेश्चन देता हूं, इनको डेली आप लोग अटेम्प्ट करो। एक का तो आंसर मैं आप लोगों को डेली बेसिकली आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं वो मिल जाता है, और एक पुराना यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बोलोगे तो इसका भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा दिया करूंगा, पर लेकिन कोशिश करो कि खुद से लिखने की सारी चीजें, मतलब होता नहीं एक तरीके से, मतलब मैं ही आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा दो, आप लोग खुद ना सोच रहे हो ना कुछ समझ रहे हो, तो ये बिल्कुल एक तरीके से नहीं, फिर वो हो जाएगा कि एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठोगे ना तो आप लोग का दिमाग काम नहीं करेगा।
तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा अपने आप एफर्ट डालो, फिर चीजें आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेगी। तो इनको अटेम्प्ट करो अच्छे से। कई सारे बच्चे आंसर लिखते हैं, उनके आंसर देखो आप लोग, और यहाँ नहीं लिख पा रहे हो फेसबुक पे देखो, टेलीग्राम पर अगर आप में से कोई नहीं है, फेसबुक पर भी आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप मिल जाएगा, तो जहां पर भी सुटेबल लगे आप लोग अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में कभी भी लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग याद रखेगा इंडिपेंडेंट इंडिया की कैसी फॉरेन पॉलिसी थी, तो पंचशील का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेगा। पंचशील का कॉन्सेप्ट क्या था कि यहां पर म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी का, किसी के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाएंगे हम लोग, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के इश्यूज में, ठीक है। इसी के साथ में इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पर काम करेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा। तो पंचशील का सिद्धांत यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी आजादी के बाद में लेकर आगे बढ़ा। नॉन अलाइनमेंट की बात हम लोगों ने की, यानी कि एक साइड में यूएसए और एक साइड में कोल्ड वॉर की बात यहां पर चल रही थी, हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम लोग यहां पर इनके साथ में नहीं मिलकर काम करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने उस टाइम पर किसी के साथ में भी मिलकर काम नहीं किया। तीसरी इंपॉर्टेंट मुद्दा था एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी कि हम लोग चाह रहे थे जिस देश में भी यहां पर अंग्रेज रूल कर रहे हैं उस देश को अंग्रेज जो है छोड़कर जाएं और हर एक कंट्री जो है अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे, अपनी गवर्नमेंट अपनी सत्ता जो है वो खुद से रिकॉग्नाइज करे, ना कि इनके हिसाब से चले। आर्टिकल 51 हमारे संविधान में अगर बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे पार्ट 4 के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल 51 ऐसा अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोग उठाकर देखोगे ना तो फिर बोलोगे कि भाई साहब क्वेश्चन कहां से आ गया, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है यहां पर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर तो बोलता है कि प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, मेंटेन करना है एक तरीके से रिलेशन कंट्री के साथ में अच्छे से कैसे लेकर चले, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। आर्टिकल 50 भी कई बार पूछा जा चुका है, बताइए आर्टिकल 50 संविधान में किसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 50 के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना आज की डेट में यहां पर ये चार मुद्दों के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा गया, चाइना को डिसरप्टर बोला गया यहां पर, ठीक है, क्योंकि चाइना 2022 में काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में चाइना की जीडीपी काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर बढ़ने वाली है। फिलहाल चाइना की जीडीपी जो है अगर बात करूं तो 15 ट्रिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग बोलेंगे कि यार वीर हमारी कितनी है, तो हमारी जो जीडीपी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो लगभग 3 ट्रिलियन हो रही है। आप लोगों ने देखने को मिला, हम लोग बोल रहे हैं आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन हम लोगों को करनी है। एप्पल जो कंपनी है वो अकेली 3 ट्रिलियन की वो एक कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी और हमारी जीडीपी के इक्विवेलेंट है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो यहां पर जो आज के डेट में अगर बात करें, यहां पर चाइना एक तरीके से यहां पर जो इंपोर्टेंट बात करें, चाइना एज ए डिसरप्टर रसिया, ठीक है। तो ये दोनों के ये यहां से रसिया यहां पर है, ठीक है। रसिया कहां से आ गया, रसिया तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, ये मैं सही कर दूंगा जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ये यहां पर नहीं है, रसिया यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर चाइना एज ए डिसरप्टर का यहां पर काम कर रहा है एक तरीके से। अगर आज के में बात करें, कई जगह चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, हांगकांग के साथ में जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चाइना इसी के साथ में बात करें, साउथ चाइना सी में क्या क्या हरकतें यहां पर कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में बात करें तो किस तरीके से हाइपर जो सोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, तो और ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है। चाइना किसी को कुछ मान ही नहीं रहा है। इवन आप लोग कुछ बात करें हमारी कंट्री के बारे में, ताइवान वाले इशू के साथ में सबके साथ में लड़ने के लिए तैयार है चाइना, आप लोग समझ सकते हैं। एशिया पैसिफिक में अभी क्वाड ग्रुप के बनाने की बात की गई तो चाइना अलग से दबदबा यहां पर दिखा रहा है, सारी कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना आने वाले टाइम में काफी बड़ा एक माहौल खराब करने वाला देश बन सकता है, जो कि एक तरीके से अपनी अपनी दादागिरी चला रहा है, दूसरी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहां पर बताया गया वो है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अभी अगर बात करें यहां पर आज की डेट में जो यहां पर क्रीमिया है वो यहां पर रसिया ने जब हथियाया गया था, तो ये माना गया कि जो यूक्रेन है उसको भी रसिया अभी आने वाले टाइम में हथियाने वाला है और वो फिर से चाह रहा है कि यूएसएसआर बन जाए, जो कि द ग्रेट यूएसएसआर हुआ करता था, वो फिर से उसको रिज्यूनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है सारी वो यहां पर कोशिश कर रही है कि रसिया को रोका जाए इसके चलते, तो ये काफी बड़ा इशू बन जाता है। इसीलिए यूक्रेन चाह रहा है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कल को ये नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर यहां पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो कुछ कर नहीं पाएंगे और पुतिन नहीं चाह रहे कि ये जो है नेटो का मेंबर बने, तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकता है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बोला जा रहा है कि जो जिसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए कि यहां पर कैसे चीजों को लेकर चला जाने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये कई बड़े मुद्दे यहां पर आप लोगों ने देखा होगा। एक काफी बड़ा जो इशू यहां पर चल रहा है कजाकिस्तान के अंदर भी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कजाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, तो रसिया के रिलेटेड फोर्स वहां पर गई चीजों को नॉर्मल कराने के लिए, तो उसमें भी बात बोली गई कैसे यहां पर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं,
तो वो कैसे शांति में रहेंगे वो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी अफगानिस्तान का मुद्दा आप लोगों को पता ही है, जैसे यहां पर निकल कर गया यूएस से तो तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। अब तालिबान कैसे चीजों को लेकर चलने वाला है और फिलहाल पाकिस्तान यहां पर कैसे चीजों को लेकर चलेगा वो एक अलग ही मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उसमें यहां पर किस तरीके से आज के में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पनप कर सामने आ रही है और कैसे उनको कंट्रोल करना है, तो ये एक सोचने वाला मुद्दा यहां पर हो जाता है। हमारी कंट्री का बॉर्डर इशू के बारे में बात करें, जैसे चाइना के साथ में खासकर बात करें, वो काफी बड़ा बॉर्डर इशू आज के में देखने को मिलेगा। अक्साई चीन वाले एरिया को ले लो, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं हमारे, तो वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो है वेस्टर्न सेक्टर में, जो कि यहां पर लद्दाख वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर नहीं आज के में लद्दाख बन चुका है, ठीक है, सेंट्रल वाला रीजन और फिर ईस्टर्न वाला रीजन जो कि भूटान को छोड़कर बात करें, ये इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनको कैसे टैकल करना है आने वाले टाइम में, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकलकर सामने आएगा। इंडिया ने चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड का पार्ट बन गया, जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, तो चाइना जो है इसको लेकर सदमे में आ रहा है, चाइना को डर लगा है और इतना डर अच्छा भी लगता है, कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के बारे में बात ही कर दी, खासकर थोड़ा सा रीजन आप लोगों को नेपाल के साथ में भी देखने को मिलेगा, कभी आर्टिकल आएगा डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए अगर रेगुलर आप लोग डिस्कशन देखोगे ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये तो नॉर्मल मुद्दे हो गए। अभी एक मुद्दा ऐसा भी, हम लोगों ने रशिया से खरीदा S-400 सिस्टम, ठीक है, तो उस पर बात की गई कि जो यूएसए है वो लगाएगा काटसा। काटसा के बारे में बेसिकली अगर आप लोगों से बात करें तो इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे, पर इसके तहत छूट भी देने की बात की गई, तो इसको हमको छूट मिल गई कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के साथ में इंडिया को रखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं आने वाले टाइम में जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बने हुए हैं, तो ये पूरा ओवरव्यू यहां पर इसके अंदर दिया गया है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर जिसके बारे में आप लोगों से बात करूं, यह इलेक्शन के बारे में। तो बात यह की जा रही है कि इलेक्शन के मुद्दे को कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है, ठीक है। इलेक्शन का मुद्दा मतलब अभी फिलहाल जो है अगर बात करें, पंजाब के अंदर में जब गवर्नमेंट आई तो बोला गया था, बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, ठीक है, इसी के साथ में जो ड्रग के अब्यूज होता है पंजाब के अंदर उसको खत्म करेंगे, और भी कई सारे इश्यूज बताए गए यहां पर, माफिया को खत्म करेंगे, शराब दारू को, फार्म का जो लोन है उसको खत्म करेंगे, ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है वो उसको खत्म करेंगे, पर लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए। तो अभी यहां पर जबकि वो 117 सीटों में से यहां पर उसके पास में 77 सीटें थी, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो बोला जा रहा है कि इस तरीके से क्या बन सकता है पंजाब के अंदर। तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो काफी बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिकल ग्राउंड हो गया। नवजोत सिद्धू साहब जो है वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पर लेकर आ गए जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करा था, पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोलकर एक माहौल बना लिया, तो कई सारी ऐसी बातें की गई है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नजर आ रही है वो है आम आदमी पार्टी, जो यहां पर जीत कर आ सकती है। अगर आप लोग पंजाब से और ये लेक्चर देख रहे हैं तो बताइए आप लोग इसके बारे में क्या मानना है और आप लोग इसको कैसे देखते हैं, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो पूरा न्यूज़पेपर का एक एक डिस्कशन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन दूंगा आंसर राइटिंग के, तो जरूर ग्रुप में जाकर इसको अटेम्प्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर पंजाब के बारे में बात की जा रही है, यही बस जो पोलिंग वगैरह वो सब चीजें अभी चीजों को एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिया, तो ये आप लोग छोड़ सकते हैं। दो इंडियन की जान चली गई, बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान की जान चली गई यूएई में टैंकर ब्लास्ट के अंदर में, तो ये चीजें देखने को मिली। हुताई जो रिबेल है वो क्लेम कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके द्वारा ये काम किया गया, तो ये इशू यहां पर देखने को मिला। तो बोला गया कि NIA जो है वो यहां पर गैदर करेगी इन्फॉर्मेशन, तो कल को चलकर कोई भी ऐसा इशू देखने को मिलता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो यहां पर काम करती हुई नजर आती है। NIA 2008 में बनाई गई थी, जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, हमारी कोई सोवरेनिटी को हट करते हैं, सिक्योरिटी को हट करते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को या फिर इंटीग्रिटी को, ठीक है, फ्रेंडली नेशन के साथ में हमारे रिलेशन, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो NIA यहां पर काम करती है आप लोगों को नजर आएगी। कोई यहां पर एटॉमिक जो अगेंस्ट एटॉमिक जो यहां पर बेसिकली या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है, हमारे देश की कोई उल्टी सीधी करेंसी भी अगर कहीं पर ले जाकर बेचता पाया जाता है, तो यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ट्रीटी करनी है, कैसे चीजों को लेकर चलना है, तो कैसे टेररिज्म को कंट्रोल करना है, तो NIA काम करती है। NIA के बारे में बात करें तो ये यहां पर सेंट्रल काउंटर टेररिज्म जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, पर लेकिन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रायपुर, जम्मू पर इसके जो ब्रांच आप लोगों को नजर आ जाती है, ठीक है। तो बेसिक इसके बारे में याद रखिएगा, आप लोगों को पता है झांकियां लगाई जाती है हमारे देश में जब भी गणतंत्र दिवस होता है, तो अभी बोला गया कि कुछ झांकियां जो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला की रिजेक्ट कर दी गई है, तो इसके चलते इश्यूज देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर जो सारा इश्यूज रहता है बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सब्जेक्ट जो कमेटी है वो एक्सपर्ट वो यहाँ पर रिव्यू करती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो तमिलनाडु वेस्ट बंगाल केरला के द्वारा बोला गया जो टेब्लो रिजेक्ट किया गया यूनियन जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज करेगी लिस्ट ऑफ टेब्लो। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर उसको रिलीज करती है जो भी झांकी आप लोगों को देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्प करेगा और हम लोग वर्ल्ड की हेल्प करेंगे पैंडेमिक के साथ में डील करने पे, बहुत सारी जान को बचाया जा सकता है। और थर्ड वेव में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, उनकी दवाइयों के बारे में बात करूं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है लगभग 2 लाख से ऊपर केस अभी हमारी कंट्री में भी अभी देखने को मिल रहे हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या इश्यू अभी बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस जो है यहाँ पर अभी बोला जाए दिल्ली के अंदर जो आने वाली है, तो डीटीसी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है यहाँ पर उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा, एक तो सबसे बड़ी बात यह जो कि दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो न्यू बस जो है यहाँ पर वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में, खासकर इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, पर लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप लोग बनाते हो, वो भी एक इश्यू यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, मैरिटल रेप के बारे में बात की जा रही है, अगर आप लोगों ने शाम को 8:30 बजे वाली वीडियो देखी होगी, डिटेल में पूरा एक टॉपिक मैंने कवर किया है वहां पर मैरिटल रेप के बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक ओवरव्यू बता देता हूं यहां पर, अभी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये बात चल रही है कि मैरिटल रेप यानी कि शादीशुदा इंसान अगर अपनी जो हस्बैंड और वाइफ फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो उसको क्या मैरिटल रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है इसको नहीं क्रिमिनलाइज किया जा सकता, क्योंकि ये काफी बड़ा इशू क्रिएट कर देगा। तो जो सेक्शन 375 रेप इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता के अंदर है, यहां पर ये अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है उनके ऊपर ये चार्ज नहीं लगेगा, ये बात की जाती है। अगर 15 साल से नीचे की कोई बच्ची है उसके साथ में अगर यहां पर शादी होती है तो उसके साथ में एक बार को ये चार्ज आप लोग लगा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बोला जाता है कि ये काफी ज्यादा गलत है, कई सारी कंट्री 104 कंट्री ऐसे हैं जो इसको रेप की कैटेगरी में बोल चुके हैं और हम लोग को भी इसको रेप की कैटेगरी में लाकर लाना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक एनालिसिस अभी चल रहा है, जो भी होगा आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, गति शक्ति के बारे में बात की जा रही, तो गडकरी साहब जो है गति शक्ति को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं आगे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है। ठीक है, तो ये गति शक्ति क्या है इसके बारे में बात करें, तो यहां पर तेलंगाना के अंदर अभी डिफेंस कॉरिडोर पांडिचेरी के अंदर एयरपोर्ट की बात की जा रही है। तो गति शक्ति यहां पर एक मास्टर प्लान है जिसके अंदर हम लोग रोड कैपेसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में एयरपोर्ट, इसी के साथ में हेलीपोर्ट, बहुत सारे और भी हम लोग यहां पर ढांचागत विकास कर रहे हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काफी कुछ यहां पर करने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ में बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, 2025 तक लगभग यहां पर 225 गीगावाट की बात की जा रही है, कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। 4G कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की जा रही है, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये भी गति शक्ति के बारे में ही, यहां पर उड़ान स्कीम जैसे बात करें, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, पोर्ट्स को यहां पर डेवलप करने की बात करें, तो गति शक्ति के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इकट्ठी प्रोवाइड करा दी। यहां पर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना भी इसी का पार्ट है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी हैदराबाद जो है जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वहां पर ई फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की फॉर्मूला 1 रेस की बात की जा रही है जो कि यहां पर होस्ट की जानी है। ठीक है, तो बिटवीन बोला जा रहा है कि नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का, तो देखते हैं कैसे चीजों को लेकर चला जा सकता है। तो काफी बड़ी बात होगी अगर ऐसा कुछ हमारे देश में देखने को मिलेगा, तो आगे आने वाले टाइम में अगर आर्टिकल आएंगे तो समझेंगे इनके बारे में। और कश्मीर के अंदर जो प्रेस क्लब है उसको सीज कर दिया गया, बेसिकली कश्मीर प्रेस क्लब सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि अब यहां पर चीजें खत्म हो रही है, ई स्टेट को ट्रांसफर कर दी गई बिल्डिंग। तो आर्टिकल कौन सा है संविधान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है, ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा अनाउंस किया गया कि 10 लाख रुपीज दिए जाएंगे SJF के, यानी कि जो हमारी कंट्री में आजकल में आप लोगों ने देखा होगा जो सिखिज्म को लेकर अगर बात करें तो यहां पर जो नहीं खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, तो सिख फॉर जस्टिस जो कि हमारी कंट्री में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर क्या कर रही है, अभी काफी सारे पंजाब के अंदर में इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एनआईए के बारे में मैंने बता दिया और सिख फॉर जस्टिस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, खालिस्तान फोर्स बनाने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। बिरजू महाराज जी जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनकी आत्मा को शांति मिले, काफी एक शानदार पर्सनैलिटी थे, एक लेजेंडरी करेक्टर आप लोग बोल सकते हैं। याद रखिएगा इनके बारे में, 4 फरवरी को 1938 में इनका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2022 में हमारे बीच में नहीं रहे। पोएट, सिंगर, कंपोजर, कथक डांस याद रखिएगा और कोरियोग्राफर थे। कथक डांस आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कथक डांस जो है वो एक उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा लोकप्रिय है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर में, कथकली केरला के अंदर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर में, इसी के साथ में मणिपुरी ये मणिपुर के अंदर में, मोहिनी अट्टम केरला के अंदर में, उड़ीसी यहां पर उड़ीसा के अंदर में और सतारिया आसाम के अंदर में। नॉर्मली एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है जिसको आप लोग मैच ना कर पाओ, जैसे सतारिया हो गया, ठीक है, मोहिनी अट्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, मणिपुरी तो नहीं पूछेंगे, मणिपुर के नाम पर ये, कुचिपुड़ी पूछ लिया जाएगा, कथकली हो गया, कथक हो गया और भरतनाट्यम, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। रेयरली पूछते हैं मणिपुरी और यहां पर जो उड़ीसी, क्योंकि दोनों नाम के ऊपर है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पद्म विभूषण मिला हुआ था इनको, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला हुआ था, इसी के साथ में फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ था, और भी इनकी फैमिली के बेसिकली कई सारी पर्सनैलिटी ऐसे थे जो इसी फील्ड से यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, विराट, दामिनी और हिना। विराट है घोड़ा, दामिनी और हिना है कुत्ते, बेसिकली इनको यहाँ पर इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो यहाँ पर कमांडेंट की पोस्ट यहाँ पर इनको बेसिकली दी गई है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ऑनररी आप लोग पोस्ट यहाँ पर बोल सकते हैं, इनकी सर्विस जो इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है, तो एक आइडिया रख सकते हैं। चाइना जो है वो बेसिकली जिनपिंग जो है रिजेक्ट करें, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, वो कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी नहीं है, यानी कि चेहरे पर कुछ और पीछे कुछ और हरकतें देखने को मिल रही है, बोल रहे हैं कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी नहीं है। जर्मन जो है वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर चिंता में है, तो देखते हैं क्या क्या इशू यहां पर निकल कर आते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो। यहाँ पर जो है एंटीनस गुटर साहब बोले सबको दवाइयां प्रोवाइड करा दो अगर चाहते हो वर्ल्ड से कोरोना को खत्म करना, जरूरी है। यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी मैंने बोला ना अभी 18 ट्रिलियन होने वाली है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ बढ़ेगा उसको लेकर, और कंटिन्यूअसली इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में, जबकि इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। नॉर्थ कोरिया अपने खिलौनों को बार बार टेस्ट कर रहा है और यहाँ पर यूएसए को डराने की कोशिश कर रहा है, तो एक अलग इंपैक्ट है। सुनामी जो टोंगो के अंदर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहां पर आने वाले टाइम में लग रहा है कि और ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो आगे देखेंगे इसके बारे में। कुछ और इशू बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी कोविड 19 से दुनिया जूझ ही रही है। ये है सुडोकु, प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, इसको देखना और जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, इससे आप लोगों की मेंटल एबिलिटी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर मुझे आप लोगों से लेने थे लास्ट डे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। पहला था यहाँ पर मार्कस एग्रीमेंट के बारे में, और हाँ आज के हमारे एसएलवी कमांडो जो हैं वो है रानी राजपूत, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, शानदार तरीके से इनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो। वीडियो आने के जस्ट एक घंटे के अंदर अंदर आप लोग को आंसर देने होते हैं, तभी यहां पर जो चीजें हैं वो आप लोग की काउंट की जाएगी, तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। मार्कस एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक, यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है इसका सी, यानी कि GAAT, ठीक है, तो GAAT जो है यहां पर ये इसको चेंज कर बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि यहां पर GAAT था पहले और बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को ये मार्कस एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टिंग में जब यहां पर बनाया गया था GAAT, ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड। पहले क्या था यहां पर, जब GAAT था ये ओनली सर्विस में व्यापार हुआ कर सॉरी ओनली गुड्स में व्यापार हुआ करता था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर ध्यान देता है, तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव थॉट माना गया। और उरुग्वे जो राउंड हुआ था 1987 से लेकर 1994 तक, उसके बाद में यहां पर मार्कस एग्रीमेंट हुआ और इसके बेस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिक्चर में आया। तो इसलिए याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि जो है यहां पर बोलते हैं कि GAAT जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, तो वो रिप्लेस किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, अगर थोड़ा सा और एग्जामिनर मजे लेने के मूड में होगा आप लोगों का, तो बोल देगा कि बताइए कौन सा बेसिकली यहां पर ये राउंड था, उरुग्वे राउंड, या फिर कोई और आंसर पूछेगा, और कौन सा एग्रीमेंट था। तो हर तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक तैयार करवा दिया गया था, जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें डिटेल में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात की थी मैंने गरिमा ग्रह के बारे में, तो गरिमा ग्रह आप लोग नाम से सुन सकते हैं, यहाँ पर किसी इंसान की गरिमा यानी कि इज्जत बचाने की कोशिश की जाती है, तो कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको सोसाइटी में ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है, तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं जैसे ओल्ड एज हो गया, शेल्टर होम फॉर द ट्रांसजेंडर हो गया, और यहाँ पर बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया। नॉर्मली लोग जो है ढंग से ट्रीट नहीं करते इन लोगों को, तो ऐसे ही ऑप्शन आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, और ये डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक एक्ट आया था, बेसिकली एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद में एक एक्ट बना तो था 19 में हमारे देश में कि ट्रांसजेंडर को कैसे ट्रीट करना है, उसके ऊपर रूल भी बनाए हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल 2020, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में यार। तो यहां से निकल के आया यहां पर शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर, जिसको हम लोगों ने गरिमा ग्रह बोला गया। तो ये गरिमा ग्रह जो था किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये लाया गया, तो याद रखिएगा ये सारे काम जो करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहां से, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी के द्वारा डीक्रिमिनलाइज किया गया था सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का, जिसके चलते यहां पर सेम सेक्स रिलेशनशिप को जो है वो लीगलाइज कर दिया गया था। लीगलाइज मतलब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कि इंसान जो है वो अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकता है, आर्टिकल 21 के तहत कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये आप लोगों ने देखा था काफी डिटेल में, मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था, ये था व्हाइट पगोडा। तो व्हाइट पगोडा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पुरी यहाँ पर जनकपुरी जो है बेसिकली कोणार्क सन या फिर लिंगराज या फिर नन ऑफ द अबो। तो सही आप लोगों को बताना है, तो आंसर है इसका ए, पुरी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। कोणार्क सन टेम्पल जो है उनको ब्लैक पगोडा के यहाँ पर नाम से भी आप लोग बोलते हैं बेसिकली। बोला था ना ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, इनको पगोडास बोलते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो है यमनिका, यानी कि ये माना जाता है कि यहाँ पर अगर कोई इस टेम्पल के अंदर जाता है तो यमराज भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो डेथ ऑफ द गॉड है वो भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते, यानी कि सारे जो भी यहाँ पर जो दुख दर्द है वो दूर हो जाते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर इसको व्हाइट पगोडा के नाम से भी जानते हैं। चार धाम आप लोगों ने सुना होगा, बद्रीनाथ, द्वारिका, इसी के साथ में पुरी, रामेश्वरम। तो यहाँ पर जो पुरी है यहाँ पर ये सन टेम्पल, ये आप लोगों को यहाँ पर चार धाम में से एक धाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 12th century में यहाँ पर, तो अनंत वर्मन जो यहाँ पर चंडोगंगा देव जो यहाँ पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो यार उनके आंसर जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की थी, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, याद रखेगा, उसके चलते हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 19(1)(c) के तहत, और डीपीएसपी 43(b) में, ये तो अभी स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां पर 9th पार्ट में बी में इसको रखा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इंडिया स्किल मिशन कंपटीशन याद रखिएगा उड़ीसा, ये मैंने आप लोग से डिस्कस कर ही लिया था, और बाकी WTO की जो चेयरपर्सन थी नकोजी ओंकोजो अवेला, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये कई बार कई सारी स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अभी। तो आइए आप लोगों की वोकैबुलरी में 5 नए शब्द ऐड करता हूं, जो कि मैं डेली करता हूं, यानी कि आप लोगों की डिक्शनरी तैयार हो रही होगी, जो रेगुलर ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड कर रहे होंगे, तो आप लोग डेली नए नए शब्द अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हुए जा रहे हैं, और इसके ऊपर सेंटेंस अगर फॉर्मेशन आप लोगों ने कर लिया तो वो सुना है कि एक तरीके से सोने पे सुहागा, तो वाली देखने को मिलेगी। अगर सेंटेंस नहीं बनाओगे तो फिर पता है क्या होगा, कंगाली में आटा गीला, ठीक है। तो दोनों ही मुहावरे जाकर सर्च करना, ये हिंदी में आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार। ओके, बात करते हैं एनोनिमिटी के बारे में, यानी कि गुमनामी, यानी कि जो इन सेंटेंसों को नहीं बनाएगा वो गुमनामी में जीता हुआ नजर आएगा, ना तो उसकी इंग्लिश सुधरेगी ना उसकी वोकैबुलरी सुधरेगी, तो इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर करना है, ठीक है। तो एनोनिमिटी, जो यहां पर एनोनिमिटी हो गया एक तरीके से गुमनामी, अनअपीलिंग यानी कि आकर्षक नहीं है यार, एक तरीके से अट्रैक्टिव नहीं है, उन्हें कहते हैं कि अनअपीलिंग लग रहा है यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो वाला सुना होगा, बोस्टेड मतलब डिंग मारना, यानी इंसान ऊंचे, यानी ऊंचे दिख, ऊंचे सुना होगा कि ऊंची दुकान फीके भगवान, तो ये उसी तरीका आप लोगों को देखने को मिला, डिंग मारना यानी कि एक्सेसिव प्राइड दिखाना, मैं तो ये कर देता हूं, मैं तो वो कर देता हूं, देखा तो खोदा पहाड़ निकली चुहियां, वो वाली बात सुनी होगी ना आप लोगों से, तो वही है बिल्कुल यहां पर। तो इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिएगा। कैटास्ट्रोफिक होता है अपमानजनक, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एक तरीके से पर्टिकुलर सडन एक डैमेज हो जाए किसी चीज का, एक तरीके से आप सॉरी अपमानजनक नहीं, एक तरीके से आपजनक, यानी कि एक तरीके से आपत्ति आना, ठीक है, एक तरीके से सडन कोई अर्थक्वेक आ गया, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, एक तरीके से नहीं यार पता नहीं क्या हो गया एकदम, ठीक है, तो इस तरीके अचानक कोई आपदा आना उसको बोलते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर स्केप्टिसिज्म, ठीक है, स्केप्टिसिज्म बोलेंगे इस संदेह आवा, ठीक है, एक तरीके से यहां पर डाउटफुल एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी कुछ चीजें, जिसमें यहां पर कुछ एक तरीके से ट्रूथ ऑफ समथिंग डाउटफुल है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, 5 शब्दों के ऊपर 5 सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, जिसके बस की नहीं है सेंटेंस फॉर्म करना, वो कोशिश करियो कि थोड़े से एक लाइक कि दूसरे का देख देख के अपना वो करना, बस की थोड़ी सा वर्ड थोड़ा सा गलत निकल गया मुझसे, बस की तो देखिए कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है, मतलब जिसने अब तक फॉर्मेशन नहीं किया वो ट्राई करो और आप लोग भी कर पाओगे। कई बार ना थोड़ा सा ना मैं मतलब फ्लो में कई सारे शब्द निकल जाते हैं, आप लोग समझते हैं 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक सोच समझ के शब्द थोड़े ना बोले जाएंगे सारे, तो इसलिए कई बार समझाने के चक्कर में कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, तो कई बार मुझे पता है आप लोगों को बुरे भी लगते होंगे, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूं किसी को बुरा लगे तो उसकी वजह से, पर हाँ कोशिश क्या करो कि इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर करो, ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में ऐसे राइटिंग में फायदा पहुंचाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, विद एक्सपीरियंस से सारी बातें बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोग लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव अपने आप को एक प्रोडक्टिविटी के डायरेक्शन में चलते हुए पाओगे। तो आई होप कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे, तो फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो का, और जो भी आप लोगों की स्क्रीन पर एंड में वीडियो दिखती है पॉलिटी के मैक्सिमम लेक्चर रहते हैं, तो जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो क्लिक कर उनका रिवाइज कर सकता है, जो भी आप लोगों यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, इसी के साथ में मॉर्निंग इसी के साथ में इवनिंग में मिलता हूं, और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, वैसे कुछ वीडियोस और भी डालता हूं बीच बीच में, तो टेलीग्राम पर अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं और आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो भी आप लोग वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।